Class 9th students, good morning all of you. Students, today we will continue the lesson of this what is democracy, why democracy. We have seen student that what is the democracy. Democracy ki definition to apne padh liye and that I explained you also. Ye maine aapko vistar mein samjhaya ki democracy kise kehte hain. टुडे टू रिकलेक्ट द चैप्टर इसकी जो फीचर्स जो है मैंने आपको बताए थे डेमोक्रेसी के उनको अपन संक्षिप्त में एक बार फिर से देखते हैं. स्टूडेंट्स, इन ए डेमोक्रेसी द डेफिनेशन इज दिस. इन ए डेमोक्रेसी रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु टेक द मेजर डिसीजन. इन अदर वर्ड्स, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो ये जो डेफिनेशन है इसके आधार पर वी विल सी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के क्या विशेषताएं होती हैं वो देखेंगे अपन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल सी रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल हु टेक द मेजर डिसीजंस. पहला जो विशेषता, जो फर्स्ट फीचर डेमोक्रेसी की है वो यही है कि जो रूलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और उनके पास में डिसीजन लेने का पावर होता है. सेकंड फीचर इज दैट इलेक्शन ऑफर चॉइस एंड फेयर एंड फ्री एनवायरमेंट वी कैन कॉल. यहां पे अपन ये देखते हैं कि रियल डेमोक्रेसी उसी को कहते हैं जहां पे इलेक्शन के अंदर आपके सामने चॉइस हो. अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर, कई कंट्री हैं वर्ल्ड में जहां पे इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते हैं, लोगों के सामने कोई चॉइस नहीं होती है. फॉर एग्जांपल यू टेक द चाइना, चाइना कम्युनिस्ट कैंडिडेट ऑलवेज विन द इलेक्शन. जो कम्युनिस्ट का वो होता है सदस्य वही वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, लड़ सकता है. तो लोगों के सामने कोई और चॉइस नहीं है. हमारा एग्जांपल, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया. व्हाट यू विल फाइंड हियर, हियर यू विल व्हेनेवर देयर आर इलेक्शन यू विल सी दैट मेनी पीपल पार्टिसिपेट इन दैट इलेक्शन. ओके, सो देयर इज चॉइस. इन इंडिया वी हैव द चॉइस, बट इन अदर कंट्रीज, मैनी कंट्रीज, नॉट ऑल द कंट्रीज, मैनी कंट्रीज, बहुत से देश ऐसे भी हैं जहां पे चॉइस नहीं होती है, तो उसको अपन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते. फिर है एवरी, तीसरा जो फीचर है वो ये है कि एवरी पर्सन शुड हैव द इक्वल राइट टू कास्ट द वोट एंड टू कंटेस्ट द इलेक्शन. इन अदर वर्ड्स वी कैन से एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, नाउ वी कैन सी द फोर्थ दिस थिंग फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी. चार फीचर है डेमोक्रेसी के जो मैंने आपको पहले बताए थे, उनमें फोर्थ जो है वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसे कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम करती है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर वो काम नहीं करती है तो उस देश के जो भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसको अपन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कर सकते. दिस इज द व्हाट इज डेमोक्रेसी. नाउ वी विल सी द स्टूडेंट दैट वाई डेमोक्रेसी. अपन डेमोक्रेसी को क्यों लाइक करते हैं, अपन क्यों चाहते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी हो. सो देर आर मैनी रीजन बिहाइंड दिस. इन दिस पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. मतलब हमारे को डेमोक्रेसी क्यों काम नहीं अपनानी चाहिए या फिर हमें जो है वो डेमोक्रेसी क्यों अपनानी चाहिए, ये दोनों पॉइंट अपन इसमें डिस्कस करेंगे. नाउ स्टूडेंट, यू सी दैट डेमोक्रेसी के अंदर क्या गरीबी नहीं आती. हमारे देश का उदाहरण ले लो, 70 इयर्स से ज्यादा अपन को हो गए हैं वी गॉट फ्रीडम एंड वी हैव ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया, बट क्या इससे गरीबी चली गई, इससे गरीबी नहीं. सो वी कैनॉट से दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट दैट वी रिक्वायर. इस आधार पर अपन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपन को नहीं चाहिए, बिकॉज इट कैनॉट रिमूव द पुअर्टी. देन क्वेश्चन अराइज कि क्या पुअर्टी हटाने से ही डेमोक्रेसी आ जाएगी, वो भी गलत है. खाली गरीबी हटाओगे आप और दूसरे जो चीज है जैसे उनका पावर का मिसयूज करोगे तो क्या डेमोक्रेसी हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग.
तो अपन को क्या चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए या फिर एक ऐसा नेता चाहिए जो ईमानदार हो, वो ये नहीं सोचे कि मैं अगले इलेक्शन में हारूंगा या जीतूंगा, बट ही डू द वर्क वेलफेयर फॉर द पीपल, वो लोगों का भला करेगा, वो अच्छे निर्णय लेगा और लोगों के लिए व्हाट यू कॉल ही विल टेक द मेजर डिसीजन विद क्विक टाइम एंड ऑल। सो ऐसा जो लीडर अपन को चाहिए, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर ऐसा लीडर अपन चाहेंगे तो वो तो एक बढ़िया डिक्टेटर होता है, वो भी ये ऐसा ही होता है, तो क्या जरूरत है फिर डेमोक्रेसी की। लेकिन स्टूडेंट, डेमोक्रेसी की जरूरत है, क्यों है, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स, बिफोर दैट वी विल सी व्हाई देयर शुड नॉट बी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की हमें आवश्यकता क्यों नहीं है पहले ये देखेंगे, डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की कमियां क्या क्या है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल सी द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन दैट फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर ये चार पांच पॉइंट है, यू पे योर अटेंशन इन प्रॉपर वे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई वी डू नॉट रिक्वायर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की क्या क्या कमियां हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट, यू सी, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, इट लीड्स इन स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर टाइमली इलेक्शन होते हैं, तो एक बार जैसे ए नेता चुना गया, दूसरी बार जब ए इलेक्शन आते हैं तो ए हार गया और बी चुना गया, तो इससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी नहीं है, लीडर्स चेंज हो गए। जब लीडर चेंज होते हैं तो जो पहला लीडर जब पावर में होता है तो वो कुछ अपना लोगों की भलाई के लिए कुछ कार्यक्रम बनाता है, और वो कार्यक्रम जब दूसरा लीडर आ जाता है तो वो लागू नहीं हो पाते हैं, तो इससे क्या है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज दैट डेमोक्रेसी ऑल अबाउट द पावर कंपटीशन, देयर इज नो स्कोप फॉर द मॉरलिटी। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर आदमी चुनाव इसलिए लड़ता है कि वो पावर में आ जाए, वो पावर में आने से क्या होता है, वो कई अपने मतलब जो सिद्धांत होते हैं उनको वो अपने भूल जाता है, क्योंकि उसे पावर की जरूरत है, तो वो एक डेमोक्रेसी का डीमेरिट, मतलब ये कमी है डेमोक्रेसी की। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, दैट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो लीडर इलेक्टेड होते हैं, लोगों के द्वारा जो लीडर चुने जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि हमारे लोगों की रियल समस्या या हमारे जिस एरिया से मैं जीत कर आया हूं उस एरिया की जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है। बिकॉज इन डेमोक्रेसी व्हाट हैपेंस, इट यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप ये जरूरी नहीं है जहां से आप बिलोंग करते हैं वहीं आप इलेक्शन लड़े, ये जरूरी नहीं है, आप इलेक्शन दूसरी जगह से भी लड़ सकते हैं। तो इलेक्शन आपने जैसे दूसरी जगह से लड़ा, फिर वहां पे आप जीत गए, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि लोगों की जो रियल वो प्रॉब्लम है, जो समस्या है वो क्या समस्या है, दैट यू डू नॉट नो, दिस इज ऑल्सो द नेगेटिव और डीमेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आई एम एक्सप्लेनिंग, डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन फैलता है। क्यों फैलता है करप्शन, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन लड़े जाते हैं तो दो दो तीन तीन मतलब मैनी पार्टीज कैंडिडेट टेक पार्ट इन दिस इलेक्शन, बहुत सी पार्टियों के जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन लड़ते हैं। व्हेन दे कंटेस्ट द इलेक्शन एवरीवन वांट टू बी, दैट इज नेचुरल, सब जीतना चाहते हैं, फॉर दैट दे स्पेंड प्लेंटी ऑफ मनी, वो बहुत सा पैसा उसमें खर्च करते हैं, दैट इज नॉट गुड। वो फिर क्या होता है, उस पैसे को जो वो खर्च करते हैं उस पैसे को वो वापस अपना मतलब लेने के लिए दे यूज द
डर्टी ट्रिक्स एंड ऑल, उनको डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं जिस जो डेमोक्रेसी के लिए जो कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए वी कैन से डेमोक्रेसी इज नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ गुड। लास्ट एंड फाइनल डिमेरिट है डेमोक्रेसी की, वो ये है स्टूडेंट कि डेमोक्रेसी के अंदर जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि जो डिसीजन लीडर्स ने लिया है उनके बिहाफ पर वो सही है या गलत है, वो उनको पता नहीं होता है। तो ये डेमोक्रेसी की कमियां हैं। जब डेमोक्रेसी की इतनी कमियां हैं तो फिर डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है? फिर तो डेमोक्रेसी की बजाय वी कैन अडॉप्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिक्टेटरशिप अपन यूज कर लेते हैं, ऐसे मतलब अपन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट अपन इसमें अपॉइंट इलेक्ट कर सकते हैं देश में। बट स्टूडेंट नाउ दीज वर द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जो अपन ने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दीज आर द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। बट नाउ वी आई विल एक्सप्लेन यू आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में डेमोक्रेसी क्यों चाहिए अपन को, इसके लिए आई विल एक्सप्लेन यू सम पॉइंट। वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू स्टूडेंट्स, इन द व्हाट यू कॉल इन 1958 देर वाज फेमाइन, मतलब एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था, दैट वाज इन चाइना देर वर 3 crore पीपल डाइड इन दिस। एंड स्टूडेंट्स यू सी दैट दिस फेमाइन वाज वर्स्ट फेमाइन ऑफ द सेंचुरी। स्टूडेंट्स यू सी वहां की सरकार ने लोगों के लिए इसके लिए क्या काम किया इसका किसी को पता नहीं चला। सेकेंड थिंग, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है इसलिए, सेकेंड थिंग सरकार के ऊपर ये कोई दबाव बनाने वाला नहीं था कि आप जो है लोगों की भला करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें, ऐसा दबाव बनाने के लिए कोई ओपोजिशन पार्टी वहां नहीं थी चाइना के अंदर, क्यों? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अगर इसका जो उदाहरण अपन इंडिया के साथ कंपेयर करें, देन इन इंडिया उस टाइम के ऊपर इकोनॉमिक जो पोजीशन थी देश की वो सही नहीं थी, आर्थिक स्थिति जो थी वो हमारे देश की सही नहीं थी। देन ऑल्सो गवर्नमेंट टुक मेनी स्टेप टू रिड्यूस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फेमाइन, मतलब सरकार ने बहुत से कदम उठाए, कड़े से कड़े कदम, जिससे ये अकाल का असर कम से कम हो। फॉर दिस व्हाट वाज द रीजन, चाइना में तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सरकार जो है वो जल्दी कदम नहीं उठा पाई, और भारत में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की? इसका एक रीजन है स्टूडेंट, द मेजर रीजन इज दैट इन चाइना दे हैव द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, देर इज नो डेमोक्रेसी, व्हेन देर इज नो डेमोक्रेसी देर इज नो ऑपोजिशन पार्टी, एंड मीडिया इज ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मीडिया भी गवर्नमेंट का है, ऑपोजिशन पार्टियां भी नहीं है, कौन उनको प्रेस करेगा गवर्नमेंट को? एंड डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी है, अगर गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो ऑपोजिशन पार्टी उसको फोर्स करेगी। ओके, देन मीडिया है, मीडिया गवर्नमेंट विल नॉट वर्क इन ए प्रॉपर वे, अगर कोई स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेती है देन मीडिया विल गिव क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। सो हियर दिस इज द रीजन, डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, ये रीजन है, दोनों के बीच में ये फर्क है। तो अपन पहला जो कारण लेते हैं कि व्हाई डेमोक्रेसी इज नीडेड, व्हाई ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट, तो उसका पहला कारण ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट टू द पीपल, मतलब लोगों में जवाबदेह जो बोलते हैं अपन, लोगों की जिम्मेदारी जवाबदेही जो होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज्यादा होती है बजाय दूसरे गवर्नमेंट के, इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये पहला पॉइंट है इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फेवर में। देन स्टूडेंट्स वी सी दैट
डेमोक्रेसी में क्या होता है, सपोज कोई प्रॉब्लम है, टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम पीपल टेक द डिसीजन. सो इन डेमोक्रेसी व्हाट हैपेंस, मैनी पीपल सिट टूगेदर, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं और अलग अलग टाइप के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपन सिस्टम है. तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत से लोगों के साथ में डिस्कशन करने के बाद ही वो कोई निर्णय या डिसीजन लेते हैं. इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, जैसे नेगेटिव और डीमेरिट्स में अपन ने एक पॉइंट ये था कि इट टेक द डिलेज, यहां पे देरी होती है, डिसीजन लिए जाते हैं लेकिन यहां पे देरी होती है डिसीजन लेने में. क्यों कि अगर एक की व्यक्ति डिसीजन लेता है तो वो तुरंत ले लेता है, लेकिन अगर बहुत से लोग उसमें शामिल होते हैं डिसीजन लेने में, तो वो हर व्यक्ति अपनी राय अलग अलग तरीके से देता है, तो इसमें बहुत वक्त लगता है. लेकिन एक पॉइंट सही है, जब आप कोई भी राय या कोई भी डिसीजन, वट एवर डिसीजन यू टेक, दैट डिसीजन यू हैव टू टेक इन ए वेरी प्रॉपर वे, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिया जाता है डिसीजन डेमोक्रेसी में. एज ए रिजल्ट देर आर वेरी लेस चांसेस फॉर द रॉन्ग डिसीजन. जब मैनी पीपल सिट टूगेदर, जब बहुत से लोग साथ में बैठकर जो डिसीजन लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो डिसीजन की जो व्हाट यू कॉल लूप होल्स एंड इट इज रॉन्ग, दे विल नॉट टेक द रॉन्ग डिसीजन, दे विल टेक द राइट एंड करेक्ट डिसीजन ओनली, बिकॉज मैनी पीपल दे टेक पार्टिसिपेट इन दिस. सो अपन दूसरा पॉइंट जो डेमोक्रेसी के फेवर का है, व्हाई वी नीड द डेमोक्रेसी, इसके फेवर का दूसरा पॉइंट अपन ये कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी टेक द टाइम इन डिसीजन मेकिंग, बट देर आर वेरी लेस चांसेस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दे विल टेक द वेरी गुड डिसीजंस फॉर द पब्लिक. सो वी नीड द डेमोक्रेसी, ये दूसरा कारण डेमोक्रेसी का होता है. तो एक तो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, मोर अकाउंटेबल टू द पीपल. सेकंड रीजन इज डिसीजंस आर टेकन इन ए वेरी प्रॉपर वे, एज ए रिजल्ट देर आर वेरी लेस चांस ऑफ द रॉन्ग डिसीजन. ये डेमोक्रेसी के फेवर में पॉइंट है. तीसरा पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो जहां पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जहां पे अलग अलग धर्म है, जहां पे अलग अलग कल्चर है, जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं हमारे देश का, तो हमारे देश में जो कल्चर है, हमारे देश का जो लैंग्वेज है, वो अलग अलग है. लेकिन तो इससे क्या होता है, लड़ाई हो जाती है आपस में लोगों के, देर इज चांसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट पीपल. टू अवॉइड सच ए कॉन्फ्लिक्ट, डेमोक्रेसी इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म होती है गवर्नमेंट की ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए. हाउ, बिकॉज ईच एंड एवरी पीपल ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो मेजोरिटी में हो, ईच एंड एवरी पीपल दोज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, चाहे वो फिर अगेन माइनॉरिटी में हो या मेजोरिटी में हो, वो क्या करते हैं, सबको डेमोक्रेसी के अंदर पावर के लिए मौका दिया जाता है. मतलब जब भी इलेक्शन होते हैं तो एवरी पर्सन गेट द चांस ऑफ द विनिंग द इलेक्शन एंड ऑल, जो इलेक्शन जीतने का भी उनके पास में दे गेट द चांस. एज ए रिजल्ट वी कैन से कि डेमोक्रेसी जो होती है तो लोगों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में जो झगड़ा होता है, वो बहुत ही वेरी इट बिकम्स वेरी रेयर चांस आर देयर. सो डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो तीन पॉइंट अपन ने पढ़े स्टूडेंट, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल गवर्नमेंट टू द पीपल, डेमोक्रेसी टेक द डिलेज द डिसीजन बट डिसीजन आर टेकन फॉर द पीपल आर गुड डिसीजन. एंड थर्ड पॉइंट, इफ डिफरेंट डाइवर्सिटीज इन द लैंग्वेज कल्चर रिलीजन पीपल हैव, सो देर
in a democracy, all people get equal opportunity, so there are very rare chance of the conflict. So इन सबको मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ द रिमेनिंग सम 2-3 पॉइंट्स विच आई विल वन पॉइंट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू. इट इन इंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पैसे वाला हो. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबको बराबर का अधिकार मिलता है. तो वहां पे क्या होता है, लोगों की डिग्निटी आत्म सम्मान की रक्षा होती है. फिर है डेमोक्रेसी के अंदर लास्ट पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वहां पे कई ऑर्गेन्स होते हैं डेमोक्रेसी में, मैनी ऑर्गेन्स आर देयर, सो दे चेक ईच अदर. वो एक दूसरे की गलतियां काम को देख सकते हैं. तो उससे क्या होता है, जब पता चल जाए कि हमारे काम करने में या हमारे डिसीजन में ये कमी रह गई या गलती हो गई तो उसको फिर से सुधारा जा सकता है. तो डेमोक्रेसी के ये पॉइंट हैं, पांच पॉइंट, जिनकी वजह से अपन ये कह सकते हैं कि वी वांट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, सो दीज आर द अप टू हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू टूडे स्टूडेंट.